वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराने के बाद भारत की सेमीफाइनल की राह तो आसान हो गई है, लेकिन अब मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि जब हार्दिक पांड्या टीम में वापसी करेंगे तो फिर मिडिल ऑर्डर में कौन से बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, वर्ल्ड कप से पहले ये कंटिंजेंसी बनी हुई थी कि मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन खेलेंगे, केएल राहुल खेलेंगे, श्रेयस अय्यर खेलेंगे, कौन से बल्लेबाज खेलेंगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप से पहले अच्छा परफॉर्म करके कमबैक किया श्रेयस अय्यर ने, केएल राहुल ने बहुत बेहतरीन कमबैक किया था, और केएल राहुल वर्ल्ड कप में भी लगातार अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मैचेस में उनको चांस मिला वर्ल्ड कप में, लेकिन अब तक वो उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं। बहरहाल, हार्दिक पांड्या जब टीम से गए थे बाहर तो इंजरी के बाद, तो उनकी जगह लिया गया था सूर्य कुमार यादव को, और सूर्य कुमार यादव ने कल अपने मैच में जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला है उन्होंने मैच, उसमें 49 रन्स जो बनाए हैं उसको बनाने के बाद उन्होंने साबित किया है सिलेक्टर्स के लिए और कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट के लिए कि आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते आगे आने वाले मैचेस के लिए। तो फिर सवाल ये कि जब हार्दिक पांड्या टीम में वापस आएंगे तो क्या सूर्य कुमार यादव बाहर जाएंगे, और मोहम्मद शमी को भी सूर्य कुमार यादव के साथ लाया गया था जब हार्दिक पांड्या टीम से बाहर निकले थे, और शमी जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया न्यूजीलैंड के खिलाफ और फिर जिस तरीके की बॉलिंग कल उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ की है, मुझे नहीं लगता कि शमी को टीम से बाहर निकाला जा सकता है। मतलब एक बार को आप ये सोच सकते हैं कि आप मोहम्मद सिराज को बाहर बिठा दीजिए, लेकिन शमी को अब बाहर नहीं बिठाया जा सकता, ना ही नॉकआउट मुकाबलों में और ना ही वर्ल्ड कप के अब जो बचे हुए मैचेस इंडिया को खेलने हैं उसमें। अब देखिए, बल्लेबाजी की अगर बात करें तो अभी फिलहाल हार्दिक पांड्या टीम से बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन जब वो टीम में आ जाएंगे तो मिडिल ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं स्वॉप या फ्लिप करते हुए दिखेगा हमें, क्योंकि अभी हार्दिक पांड्या है नहीं। जब वो आएंगे तो क्या आप सूर्य कुमार यादव को बाहर निकालेंगे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को कल जब चांस मिला है इंग्लैंड के खिलाफ तो ऐसी पिच जिस पर भारत के ज्यादातर बल्लेबाज नहीं खेल पाए उस पर सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत बेहतरीन पारी खेली है। बहुत बेहतरीन इसलिए भी कहेंगे क्योंकि जिस वक्त वो आए थे उस वक्त टीम बहुत ज्यादा लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी और उन्होंने रोहित शर्मा के साथ आके पारी को संभाला और उसके बाद कई बल्लेबाजों के साथ उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली है और अपने आप को साबित किया है। तो मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या जब आपको रिज्वाइन करेंगे टीम में तो उसके बाद सूर्य कुमार यादव को बाहर बिठाना ठीक रहेगा। नॉकआउट मुकाबलों से पहले रोहित शर्मा डेफिनेटली ये चाहेंगे कि वो आगे जो बचे मैचेस है उसमें सूर्य कुमार यादव को ट्राई करें। और श्रेयस अय्यर को देखिए, काफी मैचेस में हम देखते आ रहे हैं श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप में ज्यादातर मुकाबलों में उन्हें खेलने का चांस मिला है, लेकिन वो परफॉर्म करते हुए नहीं नजर आए ज्यादातर मुकाबलों में, उसके फॉर सम और दी अदर ऑड रीजंस हो सकते हैं। लेकिन देखिए, एंड ऑफ द डे आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। देखिए, खासतौर पर देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर में ये कंटिंजेंसी अभी बनी रहेगी कि आगे आने वाले जो मैचेस हैं नॉकआउट मुकाबले से पहले, सेमीफाइनल से पहले, उसमें कौन से वो बल्लेबाज है जिन्हें आप ट्राई करना चाहेंगे मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि श्रेयस अय्यर एक ऐसे बल्लेबाज है जो पिछले कई मैचेस में हमने देखा है जो परफॉर्म नहीं कर पाए और उनकी जगह चांस दिया जा सकता है ईशान किशन को, तो कैसा होगा। और हार्दिक पांड्या की जगह आपने खिलाया है सूर्य कुमार यादव को, सूर्य कुमार यादव ने अपने आप को परफॉर्म करके दिखाया है, प्रूव करके दिखाया है इंग्लैंड के खिलाफ जिस मैच में ज्यादातर प्लेयर नहीं चल पाए उसमें सूर्य कुमार यादव ने अपनी काबिलियत साबित की। तो क्या हार्दिक पांड्या के वापस टीम में रीज्वाइन करने के बाद आप सूर्य कुमार यादव को बाहर बिठाएंगे, क्या आप ईशान किशन को खिलाएंगे, क्या श्रेयस अय्यर को बाहर बिठाया जाएगा, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ दोनों के लिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, खासतौर पर ये जो मिडिल ऑर्डर है। और देखिए, वर्ल्ड कप को देखा जाए तो वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा आप ट्राई भी नहीं कर सकते क्योंकि एक लय बनी होती है टीम की, एक ऑर्डर की। अगर एक मैच में, अब देखिए कल अगर श्रेयस अय्यर नहीं परफॉर्म कर पाए तो कल विराट कोहली भी नहीं परफॉर्म कर पाए, कल बहुत सारे बल्लेबाज थे जो नहीं चल पाए, शुभमन गिल ने भी परफॉर्म नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि पिच जो थी वो बल्लेबाजों के लिए नहीं थी। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि वर्ल्ड कप में आगे आने वाले मैचेस में ये जो मिडिल ऑर्डर की कंटिंजेंसी है इसमें क्या फेरबदल होता है, क्या इंडिया यही टीम जो खेल रही है इसी मौजूदा टीम को लेकर चलती है आगे, सिर्फ हार्दिक पांड्या जब रिज्वाइन करते हैं तो क्या तब कोई बदलाव किया जा सकता है, या फिर टीम में अभी आगे आने वाले जो मैचेस है उसमें ईशान किशन को भी मौका दिया जा सकता है क्योंकि श्रेयस अय्यर कुछ मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं नॉकआउट मुकाबले से पहले, क्या टीम इंडिया ये देखना चाहेगी कि ईशान किशन किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं।
तो ये सब देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा।